Hello children, how are you? I hope all are well and safe at home. In our previous video, we have understand exercise chapter 2, MS Paint. Today, we will read and understand our chapter 3, formatting documents. I requested you to all watch this video till end for better understand. So let's start our chapter 3. Chapter 3, formatting a document. Formatting means changing the appearance of a document to make it attractive. We can create and design applying documents by changing font and its size, adjusting line spacing, aligning text on a page, changing text case, changing text style and colors, highlighting certain words, setting margins and tabs, creating bullets, numbered list, applying border. Documents क्या होता है MS Word में, जब भी हम document या फिर file MS Word में file जो होती है उसको अगर हम attractive बनाने के लिए जो भी उसमें changes करते हैं वो इनके द्वारा हम करते हैं, जिसके अंदर हमें font size अगर हमें change करना है, style डालना है, और अगर हमें line spacing का है और उनके कलर्स चेंज करने हैं, सैम्बल्स हैं, ये सारा हम इसके अंदर सीखते हैं। अब मैं आपको ये लेके चलती हूँ और उसको प्रैक्टिकली बताऊंगी। MS Word, देखिए अब हम आ गए हैं वर्ल्ड पे। ये देखिए अब यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब हम न्यू फाइल पे जाएंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। अब हम देखिए अब हमने ले लिया। अब मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ फिर मैं आपको उस पर दिखाती हूँ। द करेक्टर ऑफ अ स्पेसिफिक साइज एंड डिजाइन यूज टू टाइपिंग द टेक्स्ट और कॉल्ड फॉन्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड प्रोवाइड्स वेरियस टाइप ऑफ फॉन्ट ऑप्शन। व्हेन यू ओपन वर्ल्ड द टेक्स्ट अपीयर इन डिफॉल्ट फॉन्ट टाइप दैट इज कैलिब्री। जब भी हम इसको ओपन करेंगे और अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसका फॉन्ट और ऑटोमेटिकली इसमें सेट होता है कैलिब्री के नाम से। तो मैं आपको दिखाती हूँ लिख के। अभी इसका साइज छोटा है, मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है। हम इससे इसको पहले सिलेक्ट करते हैं फिर इसका हम साइज इंक्रीज कर देंगे। अब मैं इसका साइज ले रही हूँ बड़ा, इसको 28 साइज कर दिया है। देखिए अब हमने इसको ये कैलिब्री फॉन्ट में लिखा हुआ है। अब हमारे पास हम इसको ओपन करेंगे तो उसके लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन द होम टैब। आप देखिए ये इसमें फॉन्ट के साइज दिए हुए हैं। होम टैब पे हम क्लिक करते हैं फॉन्ट के लिए। ये सारे देखिए टैब्स दिए हुए हैं इसमें, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस सब दिया हुआ है। अब होम है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर हम फॉन्ट्स पे जाएंगे। ये फॉन्ट है, ये देखिए। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द लाइन टू द फॉन्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट अपीयर्स। अब देखिए हम इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट हमारे सामने आती है जिसमें डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है। अब मैं जिस जिसके ऊपर लेके जा रही हूँ वो मेरे इस सेंटेंस को GBS वंडरफुल मॉम को उसी तरह से चेंज करके दिखा रहा है। जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है हम उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे लिखा है चूज द डिजायर फॉन्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट लिस्ट, ऑब्जर्व द चेंज। अब देखिए जैसे मैं इसके लिए ये वाला ले लेती हूँ ये, तो ये मेरा इस फॉन्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इसको बोलते हैं अडोब कैस्टलॉन। देखिए लिखा हुआ आ रहा है इसका नाम क्या है, ये देखिए यहाँ से, तो ये इस फॉन्ट में हमने इसको लिख लिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। अप्लाइंग बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। अब हम इसको किसी लेटर को
सुंदर दिखाने के लिए, बोल्ड दिखाने के लिए, इटैलिक स्टाइल से लिखने के लिए और किसी भी लेटर को अंडरलाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन सच एज अ बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन आर यूज टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट एंड कैच द रीडर्स अटेंशन। ये सब हम इसलिए करते हैं कि जब भी हमारे टेक्स्ट को कोई पढ़े तो वो एक एम्फेसाइज होके सामने अच्छी तरह उभर के आए और वो अच्छी तरह से रीडर को दिखाई दे। तो बी यूज फॉर बोल्ड। बी आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे बी लिखा हुआ है बोल्ड, इसका मतलब होता है बोल्ड। नीचे देखिए इसको हम शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। अगर हम कंट्रोल प्लस बी करते हैं तो भी वो बोल्ड पे हमको लेके जाएगा। फिर आता है इटैलिक। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर मैं करके दिखाऊंगी। दिस इफेक्ट एम्फेसाइज द टेक्स्ट बाय स्लांटिंग टू द राइट। जो ये इटैलिक है, ये देखिए इसके पास ही है बोल्ड के जस्ट पास में इटैलिक साइन लगा हुआ है। इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस आई। अब इसके बाद ये हमको फिर इसको इटैलिक उसमें लिख के दिखाएगा। फिर है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए उसके पास में ही यू बना हुआ है, देखिए यू, कंट्रोल प्लस यू इसकी शॉर्ट की है। इट एम्फेसाइज टेक्स्ट बाय प्लेसिंग अ लाइन अंडर इट। वी कैन अंडरलाइन अ वर्ड और सेंटेंस अलॉन्ग विद स्पेस टू अप्लाई एनी फॉन्ट स्टाइल इफेक्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट। चलिए अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे यही वर्ड लिखेंगे इन्वेंशन और उसको हम बोल्ड में लिखेंगे। चलिए मैं लिखती हूँ। इन्वेंशन अब मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं बोल्ड करके दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं इन्वेंशन बोल्ड को। अब इसको मैं बोल्ड कर दूंगी। ये देखिए ये बोल्ड हो गया है। अब वापस से इसी इन्वेंशन को मैं आपको इटैलिक में लिख के दिखाऊंगी। अभी हम लिख लेते हैं। इटैलिक। अब देखिए मैं इसको आपको इटैलिक में करके दिखाऊंगी। पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं फिर इटैलिक पे जाएंगे और ये देखिए थोड़ा सा ये स्लांट हो गया है, ये इटैलिक हो गया है। अब मैं आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। इन्वेंशन लिखते हैं। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। अब इसको भी वापस से सिलेक्ट करेंगे हम और यू इस पर हम करेंगे तो ये अंडरलाइन, देखिए इसके नीचे एक लाइन आ चुकी है। तो इस तरह से हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं, ये इस तरह से आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट्स। अब किसी टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो हमें चेंज करना है, सपोज हम उसको राइट साइड से लिखना चाहते हैं तो हम उसको राइट साइड से कैसे लिखेंगे, और अगर हम उसे लेफ्ट से लिखना चाहते हैं कि हम बिल्कुल सेंटर में लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको पहले अपने कंप्यूटर पे शो करती हूँ कि अलाइनमेंट्स कहाँ दिए हुए हैं। देखिए ये आपको ये पैराग्राफ में दिखाई दे रहा है, ये पैराग्राफ ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये पूरा ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। इसमें अलाइनमेंट बटन्स हैं, देखिए ऊपर सारे बने हुए हैं। कंट्रोल ई, इससे हम सेंटर यू कनेक्ट ऑन द पेजेस। जब भी जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके बारे में वो बता देगा, उसकी शॉर्ट की भी वो आपको शो कर देगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ अ टेक्स्ट ऑन अ पेज। ये उसकी पोजिशन को सेट करता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेट द अलाइनमेंट्स बिफोर टाइपिंग। अलाइनमेंट हमें सेट कर लेना चाहिए टाइप करने से पहले। वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट एन इंटायर डॉक्यूमेंट एंड देन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। लिखने के बाद भी हम उसे चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स फोर टाइप ऑफ अलाइनमेंट विच आर फॉलोज। मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे। देखिए अब इस पिक्चर में आपकी बुक में ही आपको दिख रहा होगा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। इट प्लेसेस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टूवर्ड द लेफ्ट मार्जिन। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इज ऑलवेज अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन। देखो अब ये लेफ्ट में मार्जिन छोड़ के लिखा गया है। सेंटर अलाइन,
sets the tags in the center of the left and right margins. अब left and right का margins छोड़ के ये center में set है. Align text right. Align the selected text toward the right margin. It is often used for placing date of reference in a document. अब इसके अंदर भी आप देख लो right में छोड़ के लिखा हुआ है. और justify align ये it places the text evenly between the left and right margins. It is mainly used for designing books, magazines and newspaper. ये पूरा center में होता है जिसके sides में आपके space छोड़ी जाती है और न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बुक्स को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है. चलिए अब हम इसको वंडरफुल मॉम को ही जो हमने लिखा है सेंटेंस इसी को हम हर तरह से करके देखेंगे. अब सबसे पहले हम करेंगे अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट. तो पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले जिसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे. अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं. अब देखिए हम इसको लिखते हैं बाय डिफॉल्ट ये सेट किया हुआ ही है इस तरह से. अब ये हो गया लेफ्ट अलाइन. अब हम करेंगे सेंटर. अब हम इसको सेंटर से करते हैं. ये हमने सेंटर पर लिया. ये देखिए अब ये सेंटर से आ गया है. तो ये जीबीएस वंडरफुल होम सेंटर से आ गया है. फिर आता है राइट से. मैं लिख देती हूँ ये सेंटर लाइन है. अब हम कर लेंगे राइट साइड से. आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको करा रही हूँ. इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपने पीसी पे, लैपटॉप पे, तो आपको इजीली समझ में आएगा. जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे और करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा. और इसकी शॉर्ट कीज भी ज़रूर याद कर लीजिएगा. कंट्रोल आर जब भी हम राइट से करते हैं तो कंट्रोल आर. इसको सेलेक्ट किया और ये अपने राइट साइड से आ गया. देखिए अब आता है जस्टिफाई अलाइन. ये आ गया है जस्टिफाई अलाइन. देखिए दोनों साइड से ये गैप हो गया है. ये देखिए ये हो गया है. तो आपको ये सारे लाइन अलाइनमेंट समझ में आ गए होंगे. चलिए अब हम आगे चलते हैं. हाउ टू अलाइन ये तो हमने सीख ही लिया है कि पैराग्राफ को कैसे करना है. ये हमको आ गया है अलाइनमेंट कैसे करना है. आपको लिखना आ गया किस साइड से हमें लेना है पैराग्राफ को, सेंटर में या जिस साइड लेना है. अब इसके बाद चलिए अब मैं एक ब्लैंक लेती हूँ फाइल. अब अपन करेंगे अब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट. अब हमें कुछ लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कैसे करेंगे. मैं वापस से GBS वंडरफुल मॉम लिखूंगी. उसके लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द होम टैब. इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर बटन. अब आपको फॉन्ट के लिए कलर दिखाई दे रहे होंगे जो मैं आपको करके दिखाती हूँ. देखिए कलर लिखा हुआ है फॉन्ट के नीचे ऑन द होम टैब. होम टैब में है. अब सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट कलर मेनू. अब आपको जो कलर चाहिए उसके ऊपर आप करिए. देखिए जिस कलर के ऊपर मैं लेके जा रही हूँ मेरे फॉन्ट जो सेंटेंस है GBS वंडरफुल मॉम उसके कलर चेंज होते चले जा रहे हैं. देखिए अब जो भी है इसका कलर अब चेंज हो गया है. नाउ चेंजिंग टेक्स्ट केस. यू कैन चेंज द केस ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विदाउट
retyping in the Microsoft Word by using the changing case option available in the font group. Word 2010 provides 5 type of the case conversion, which are follows: sentences case, lower case, upper case, capitalize each word or Google case. ठीक है, अब इसके अंदर आप इनको चेंज कर सकते हो. देखिए, जैसे कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिलेक्टेड सेंटेंस. अब हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट लेटर जो है उसका हमें चेंज करना है, उसको कैपिटल में लिखना है. तो इसमें तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है. आप ये देखिए, इसमें ही फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिख देंगे. दिस इज अ टैक्स डॉक्यूमेंट. इसमें आप ये फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे. तो ये हम इसको ऐसे कर देंगे. ये देखिए, दिस इज अ वर्ल्ड डॉक्यूमेंट. अब इसके अंदर फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में आ गए. फिर आता है लोअर केस. कन्वर्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लोअर केस. लोअर केस और स्मॉल अल्फाबेट्स लेटर्स दोनों का मतलब एक है. अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स और लोअर केस का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स. अब इसके अंदर सारे लेटर्स हम स्मॉल में लिख देंगे. दिस इज अ टेस्ट डॉक्यूमेंट. इसको अब हम सबको स्मॉल में कर देंगे. अब हम इसको चेंज कर देते हैं स्मॉल में. इसमें देखिए लोअर केस है. ये जो हमने यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, जिससे हमने कलर किया था उसके ऊपर, जस्ट ऊपर है. उसके अंदर हम उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर देखिए लोअर केस सेंटेंस केस आ रहा है. उसमें लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टूगल केस है. ठीक है, ये सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे. ये अपने चारों जो फॉन्ट केसेस हैं वो उसके अंदर आपको दिख जाएंगे. ये वाले आपको उसमें दिख जाएंगे. मेरी स्क्रीन आपको शेयर कर रही हूँ मैं, उसमें आप देख सकते हैं. चलिए अब अपन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं. चेंजिंग लाइन स्पेसिंग. अब हमें लाइन स्पेसिंग कैसे चेंज करनी है वो मैं आपको बताती हूँ. लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. वी कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन अ पैराग्राफ. अब पैराग्राफ में जो लाइन्स है हम उसको बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं. कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. चलिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये हमने कर लिया. उसके बाद क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. होम टैब में देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ आपको दिख रहा है. अब इसके अंदर हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग को सिलेक्ट करेंगे. लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ये जस्ट इसके ऊपर है. अब आपको कितनी बड़ी लाइन, कितना गैप देना है दोनों लाइनों के बीच में, ये देखिए मेरे दिख रहा होगा आपको. दिस इज अ वर्ड से दूर जा रहा है डॉक्यूमेंट, पास आ रहा है. ये आप देख पा रहे होंगे, मैं नंबर जिस नंबर पे लेके जा रही हूँ वो उसके अकॉर्डिंग सरकता जा रहा है. नाउ सिलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ अ लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें, इसको नीचे हम लेके जाएंगे. ये ड्रॉप डाउन है, ये जो बनी हुई है 1.15 1.5 2 और नीचे देखिए लिखा हुआ है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ रिमूव स्पेस. इससे हम सिलेक्ट करके उसका डिस्टेंस मेंटेन कर देंगे. टू सेट मोर प्राइसेस स्पेसिंग मेजरमेंट क्लिक ऑन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. इसके अंदर जो भी नंबर्स मैंने आपको दिखाए अभी उस पर हम क्लिक कर देंगे, जितना भी हमें गैप देना है. द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर, सेलेक्टेड द इंटेंट एंड स्पेसिंग टैब एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन अंडर द स्पेसिंग सेक्शन. क्लिक ऑन द ओके बटन एंड नोटिस द चेंज. ये देखिए आपके इसमें लाइन स्पेसिंग का दिया हुआ है. अब इसी के अंदर जैसे मैंने अभी आपको गैप डाल के दिखाया था, इसमें हर लाइन में बराबर का गैप हमने 1.15 का दे दिया है, तो ये इसमें चेंज आ गया है. मैं इसमें करके दिखाती हूँ आपको. सिलेक्ट करके देखिए, अब ये इसके अंदर मैं इसको सिलेक्ट करके इसी को बार बार लिख रही हूँ और जो इसके अंदर चेंजेस आ गए हैं. अब ये देखिए पैराग्राफ बना दिया मैंने उसी से. पैराग्राफ बना के अब मैं इसके अंदर 1.5 का ही करती हूँ, जो बुक में लिखा हुआ 1.15 का मैंने गैप दे दिया है. ये देखिए अब ये इक्वल इसमें गैप आ गया है और इस तरह से हम गैप दे के पैराग्राफ को लिख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट है क्रिएटिंग बुलेटेड और नंबर लिस्ट.
We can format listed in a document by using bullet or number. A bullet is a small graphic symbol that sets off an item in a list. To apply bullets to the text, follow these steps. अब हमको बुलेट के लिए क्या करना है, ये स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे. सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द बुलेट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुलेट बटन को सिलेक्ट करते हैं. पैराग्राफ ग्रुप में ही हमको मिलेगा वो. अब हम उसको सिलेक्ट करते हैं, बुलेट. देखिए सबसे ऊपर है बुलेट. आप सेलेक्ट द बुलेट स्टाइल फॉर योर चॉइस. अब बुलेट में आपकी चॉइस है. देखिए ये इसमें दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी पॉइंट्स बना रहे हैं तो उस पॉइंट्स को हम एरो भी दे सकते हैं, राइट का दे सकते हैं, डॉट का साइन है, एक ब्लैक स्क्वायर का साइन है, किसी तरह से भी हम उनको बना सकते हैं, उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं. देखिए अब ये मैं खोल रही हूँ बुलेट. अब देखिए मैं सबसे पहले ये राइट का निशान लगाती हूँ. देखो राइट लगा दिया. अब मेरी मैंने इसको आगे कुछ भी हम लिख सकते हैं. नंबर वन लिख दिया, नंबर टू, नंबर थ्री, कुछ भी आप ऐसे करके आप कोई भी आप उसमें दे सकते हैं और अपने बुलेट चेंज कर सकते हैं. नाउ अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड लिजिबिलिटी ऑफ द टैक्स वी कैन एड अ वेराइटी ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग इफेक्ट टू द पैराग्राफ्स एंड द एंटायर पेज. अब पैराग्राफ को अगर हमको बॉर्डर लगाना है, उसकी साइड्स को सुंदर बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट. जो हमारा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. इसके अंदर ही हमें बॉर्डर मिलेंगे. देखिए देखते हैं अपन शेडिंग है. बॉर्डर्स, हाँ ये देखिए. अब इसके अंदर हमको बॉटम का बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, कोई बॉर्डर नहीं लगाना है, ऑल साइड बॉर्डर डालना है, आउटसाइड बॉर्डर डालना है, अंदर की तरफ बॉर्डर लगाना है. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं. तो देखिए अब हमने क्या किया, इसको मैंने बॉर्डर लगा दिया है. दिस इज़ अ वर्ड. देखिए मैंने इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया है. इस तरह से हम उसको बॉर्डर बना सकते हैं. तो इस तरह से आपका ये बॉर्डर बन जाएगा. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन. अब इसके बाद आता है ड्रॉप कैप. ओके, ड्रॉप कैप इज अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट अलाउज अ यूजर टू इनलार्ज ओनली द फर्स्ट लेटर ऑन द पैराग्राफ. ड्रॉप कैप में क्या होता है, जो हमारा जो भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको सबसे ज़्यादा इनलार्ज करके दिखाया जाता है. इट इज़ यूज टू गिव अ ग्रेसफुल एंड फैंसी लुक फॉर अ डॉक्यूमेंट. किसी भी डॉक्यूमेंट को फैंसी लुक देने के लिए, सुंदर बताने के लिए ये हम स्टाइल डालते हैं. टू अप्लाई द ड्रॉप कैप इफेक्ट फॉलो द गिवन स्टेप. सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द योर डॉक्यूमेंट. चलिए अब हम अपने इसका फर्स्ट लेटर सिलेक्ट करते हैं. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब एंड सिलेक्ट द ड्रॉप कैप बटन ऑन द टेक्स्ट ग्रुप. अब इंसर्ट पे हम जाएंगे. ये देखिए होम के जस्ट नियरेस्ट जो है इंसर्ट लिखा हुआ है उसमें हम जाएंगे एंड सिलेक्ट द ड्रॉप कैप. अब हम इस पे से ड्रॉप कैप को सिलेक्ट करते हैं. ड्रॉप कैप इधर है, सबसे वर्ड आर्ट के पास में है, बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप. तो अब ये हमारे लेटर को बड़ा कर देगा. देखिए सिलेक्ट द डिज़ायर ऑप्शन फ्रॉम द टॉप डाउन मेनू और टी हमारा दिस का बहुत बड़ा हो गया है. तो इस तरह से हम इसको साइज बड़ा करके दिखा सकते हैं. तो आप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. और अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा और आपके कमेंट्स भी मुझे ज़रूर दीजिएगा ताकि आगे मैं आपके लिए इसी तरह से और वीडियोस ला सकूं. तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स और आगे मेरे वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिएगा ताकि अपन आगे कर सकें. इसकी एक्सरसाइजेस भी मैं बनाकर डाल दूंगी, आप उसकी एक्सरसाइज करिए और इसकी प्रैक्टिस आप भी अपने लैपटॉप पे करते रहिएगा.
और अपना कमेंट भी मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।